Very warm welcome to all of students. Before starting explanation of the story, I am explaining some difficult words of the story to you. Difficult words: coast, shore, samudri tat, yonder, there, wahan, render, make, banana, be, sea coast, samudri tat, voluble, talkative, batuni, headlessly, carelessly, asavdani se, staggered, walked, unsteadily, ladkhadaya, spiked, pointed, pieces, nukili, rags, old and torn clothes, phate purane kapde, tended, looked after, dekhbhal ki, stanch, to stop the flow of blood, khoon ka bahav rokna, strived, lay over, bikhre pade the, in danger, put into danger, khatre mein dalega, menace, danger, khatra, nevertheless, even then, फिर भी, sterilized, made, germ free, कीटाणु रहित बनाया, concise, brief, संक्षिप्त, impatiently, restlessly, बेसब्री से, fastened, tied, बांधा हुआ, retching, trying to vomit, उल्टी करने का प्रयत्न करते हुए, intricate, complex, जटिल, instance, example, उदाहरण, probed, examined, जांच पड़ताल की, cardinal, chief, मुख्य, profound, deep, गहरी, apologize to ask for forgiveness, माफी मांगना, courtesy, politeness, शिष्टाचार, murder, destroyed, नष्ट कर दी, contemptuously, hatefully, घृणा से, impulsive, emotional, भावुक, dismayed, felt sad, उदास हो गई, exhausted, tired and weak, थक कर चूर हुई, sentimentality, इम्पल्स, भावुकता, असैसिन्स, किलर्स, मारने वाले, एल्स, अदरवाइज, वरना, गेली, हैप्पीली, खुशी से, गाउंट, लीन एंड थिन, दुबला पतला, एक्सक्यूज, प्रिटेंशन, बहाना, गे, हैप्पी, खुश, वेरी, टायर्ड, थकी हुई, फैदम्स, यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वाटर, पानी की गहराई, नापने की इकाई, कम्प्रीहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझ, पैट्रियटिज्म, लव फॉर द कंट्री, देशभक्ति, डेरिलिक्शन, केयरलेसनेस, कोताही बरतना, जील, एंथुजियाज्म, उत्साह, वैंस, फ्रॉम वेयर, जहाँ से, हैगर्ड, लीन एंड थिन, दुबला पतला. यू आर एडवाइज टू राइट दीज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड लर्न दैम. पर्ल एस बक की कहानी द एनिमी है. वो वर्णन करती है कैसे सदा और उसकी पत्नी ने उनके कर्तव्य को निभाया एक डॉक्टर के रूप में और एक मरने वाले दुश्मन अमेरिकी सैनिक के जीवन को बचाया. डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापान के समुद्री किनारे पर बना हुआ था. उसके पिता की मुख्य चिंता थी उसकी शिक्षा, इसलिए उसको अमेरिका भेजा गया था सर्जरी और दवाई चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए. सदाओ वहाँ अमेरिका में हाना से मिल चुका था. उनकी शादी एक पुराने जापान के तरीके से, रीति रिवाजों से की आयोजित की गई थी और अब उनके दो बच्चे थे. सदाओ और हाना को एक आदमी धुंध में आते हुए दिखाई दिया. वह घायल था और मिट्टी में निश्चल पड़ा था. उससे खून बह रहा था और डॉक्टर सदाओ ने उसके घाव को में से खून बहते हुए खून को समुद्री काई से लगा करके उसको बंद कर दिया. आदमी जो अमरीकी था वो अमरीका का व्यक्ति, युद्धबंदी सैनिक था. दंपति उसको देखकर घबरा गया कि अब दुश्मन सैनिक के साथ उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए, या उसे पुलिस को पकड़वा देना चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए. उन्होंने उस आदमी को अपने घर में ले जाने का फैसला किया. नौकरों ने अपने मालिक के साथ सहयोग नहीं किया और यम्मी ने भी उस गोरे आदमी को ऑपरेशन करने के लिए नहलाने और साफ करने से भी उसे इनकार कर दिया ताकि ऑपरेशन की तैयारी की जा सके. खाना ने स्वयं टॉम जो युद्धबंदी सैनिक था उसकी छाती और उसके चेहरे को साफ किया गर्म भाप जैसे गर्म पानी से. खाना ने उसको एनेस्थेटिक बेहोशी की दवाई दी और डॉक्टर सदाओ ने उसके घाव से गोली को बाहर निकाला. टॉम अमरीकी गोरा सैनिक
बहुत ही कमजोर हो गया था। सदाव ने उसके घाव को रोजाना ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। नौकरों ने उनको छोड़कर चले गए क्योंकि वो एक युद्धबंदी का इलाज कर रहा था। आदमी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसके जीवन को बचा लिया। डॉक्टर सदाव ने बूढ़े जनरल को युद्धबंदी के बारे में बताया। उसने जनरल ने सुझाव दिया कि अमरीकी सैनिक को उसके अपने निजी हथियारों द्वारा चुपचाप मारा जा सकता था। वह अपने उन निजी हथियारों में से दो हथियारों को उसके घर पर रात को भेज सकता था। जनरल भूल गया अपने इन हथियारों को डॉक्टर सदाव के घर पर भेजना कुछ समय के लिए, और डॉक्टर सदाव ने अपनी सभी आवश्यक टॉम को निर्देश दिए, अपनी एक नाव दी उसको, समुद्र के किनारे जाने के लिए अंधियारे में भोजन दिया और कुछ फालतू कपड़े भी दिए। उसने सैनिक को बताया यदि उसका भोजन खत्म हो जाए, एक कोरिया की नाव पकड़ने से पहले एक छोटे से टापू पे, तो वह अंधेरे में बैटरी से दो फ्लैश के द्वारा संकेत उसको भेजेगा। डॉक्टर सदाव को कोई संकेत नहीं मिला, इसका मतलब वो युद्धबंदी सैनिक था, वो सुरक्षित जा चुका था। डॉक्टर सदाव को ये प्रशिक्षण दिया गया था एक डॉक्टर के रूप में कि वो कभी भी किसी को मरने नहीं देगा, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। इसलिए उसने अपने कर्तव्य को निभाया। मूल मानवीय गुण और मानवीय मूल्य हैं, वो एक आदमी को उनके मामूली पूर्व धारणाओं से ऊपर उठा देता है। ये सब कहानी के बारे में। नाउ रीड द स्टोरी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। यू कैन ट्राई एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, राइट डाउन इन योर नोटबुक कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव होकी। दिस इज योर होमवर्क, डिस्कस मी इफ यू हैव डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।